Hello, my dear student, myself Dr. Mohammad Shahrukh Khan, the faculty of chemistry, Dr. Green Agro Classes के digital platform में मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज आखिरकार वो मुबारक घड़ी आई गई जिसका बेसब्री से जेट के स्टूडेंट इंतज़ार कर रहे थे पूरे राजस्थान के, और आज सारे ही बच्चों ने जो है जेट का पेपर दिया। बहुत अच्छा पेपर था, जिन्होंने तैयारी के लिए उनके लिए आसान, जिन्होंने नहीं की उनके लिए ज़रूर टफ था, और पढ़ने वालों के लिए वैसे सारी चीज़ें आसान होती है। चाहे अभी मैं केमिस्ट्री के से रिलेटेड हूँ तो केमिस्ट्री का जिक्र करूँ तो केमिस्ट्री पढ़ने वालों के लिए बहुत आसान थी। मैं ये नहीं कह सकता बहुत ज़्यादा पेपर टफ था, पेपर बहुत अच्छा खासा था, और डॉक्टर ग्रीन के बच्चों ने बहुत सुंदर तरीके से इसको प्रस्तुत किया है। और एग्रीकल्चर का भी और बायोलॉजी की भी बात की जाए तो दोनों के दोनों जो है एग्रीकल्चर बायोलॉजी का पेपर भी बहुत अच्छा रहा। तो बिना वक्त जाए कि शुरुआत करते हैं हम केमिस्ट्री की आंसर की, देखते हैं किन बच्चों ने कौन से आंसर सही किए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, कौन सा खनिज अम्लीय परिस्थितियों में उपलब्ध नहीं है? तो वो है मॉलिब्डेनम, MO। यह खनिज अम्लीय परिस्थितियों में उपलब्ध नहीं रहता है। सेकंड, जब चूने में पानी डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। अरे साहब, आप जब चूने के अंदर चूना कैल्शियम कार्बोनेट आप पानी डालिए तो क्या होगी बोलो? एनर्जी निकलेगी, और ये जो निकलती है जिसमें अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है वो तो हो गई एंडोथर्मिक, और जिसमें एनर्जी निकलती है वो हो गया साहब उष्मा सेपी। सभी बच्चों को पता है चूने में पानी डाला जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है बोलो? उष्मा निकलती है, डेट इज उष्मा सेपी। क्या कहेंगे साहब? एक्सोथर्मिक, इंग्लिश वाले एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हिंदी वालों के लिए क्या बोला जाएगा? उष्मा सेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि मिट्टी का पीएच 8.5 से अधिक बढ़ जाता है तो पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें पोषक तत्वों का अवशोषण क्या हो जाएगा बोलो? कम हो जाएगा, या पोषक तत्वों का अवशोषण बढ़ जाएगा, या मृदा संदूषण यानी सॉइल कंटामिनेशन हो जाएगा, या सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो सबको पता है पीएच 8.5 से अगर बढ़ रहा है तो पोषक तत्वों का अवशोषण क्या हो जाएगा उसके अंदर? कम हो जाएगा। चलिए जल्दी से जल्दी आप वीडियो को शेयर कीजिए ताकि राजस्थान के ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सके और वो समझ पाए कि हमने कितने आंसर सही किए हैं या कौन सा हमारा आंसर रह गया है। एक गैसीय मिश्रण में वजन के अनुसार 1:4 के अनुपात में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है, इसलिए इसमें अणु की संख्या का अनुपात होगा। अरे साहब, सारे क्वेश्चन फ्रॉम क्लासरूम नोट्स, केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन बाहर नहीं है, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, आप नोट्स उठा के देखिए डॉक्टर ग्रीन के सारे प्रश्न आपको हूबहू केमिस्ट्री के फ्रॉम क्लासरूम नोट्स से मिलेंगे। टीचर्स ने बहुत मेहनत की है, बच्चों ने बहुत मेहनत की है, और इनको ऊपर वाले ने नवाजा भी है। सारे क्वेश्चंस बच्चों ने सही किए हैं। यहाँ पे देखिए 1:4 में ऑक्सीकरण, आपको पता है ऑक्सीजन होता है O8 पे मोलर मास हो जाएगा 16। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें O2 की तो ये हो जाएगा X/32, और यही मैं बात करूं नाइट्रोजन की तो ये हो जाएगा 4 दे रखा है आपको, 4X/ नाइट्रोजन 14, N2 के लिए हो जाएगा 28। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा X/32 28 4X। क्लियर? X 4 7, यानी जो रेशियो आएगा ये आएगा आपका 7:32। क्लियर? जो आपका आंसर जा रहा है बच्चों, जल्दी से बताइए किस किसने आंसर सही किया है, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, आंसर जाएगा बोलो सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 30 मिनट में 30% पूर्ण होती है, इसकी अर्ध आयु यानी हाफ लाइफ टाइम पूछा है। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विच इज 30% कंप्लीट इन 30 मिनट हैज अ हाफ लाइफ पीरियड ऑफ, अरे साहब फर्स्ट ऑर्डर की पूछा है तो K=2.303 T log A/A-X। क्लियर? T आपको दे रखा है 30, ये लिख दिया, यहाँ आप कर देंगे 30, ये हो जाएगा 100 100-30 70 log। क्लियर? हाफ लाइफ टाइम के लिए K हो जाएगा 0.693/T½ करके, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.118 something। T हाफ जब आप निकालेंगे तो ये वैल्यू आपकी जो है यहाँ आ जाएगी 0.693/0.118, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग 58.5
टू मिनट के आसपास आपका क्या आएगा बोलो, आंसर आएगा 0.693, 0.11। जब सॉल्व करके पूरी वैल्यू आप लाएंगे तो जिन स्टूडेंट्स का आंसर क्या आ रहा है बोलो 58.2 मिनट, वो बिल्कुल करेक्ट हैं। अगला देखते हैं नेक्स्ट। अरे साहब ये मांड प्रक्रम पे बार बार सवाल आता है और जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनको जाग प्लवन विधि और मांड का तो बार बार उनको कहा जाता है। निकल को परिष्कृत करने के लिए मांड की प्रक्रिया में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? अरे कॉपी में इंपोर्टेंट लिखवाया है कि यहां से आएगा ही आएगा। अरे साहब कौन सा? CO। कौन सा बोलो? कार्बन मोनोऑक्साइड। अरे साहब मैं बार बार कहता हूं साहब नेम रिएक्शन। अरे सबसे ज्यादा महत्व तो दिया जाता है नेम रिएक्शन। अब बहुत सारे बच्चे उड़ गए जिन्होंने सीधा सोडियम देखा और आंख बंद करते ही ऑप्शन। अरे मैं कहता हूं दो बार पढ़े, कितनी बार? दो बार। अरे जिसने वुड्स पढ़ा और जो नीचे नहीं गया वो वहीं पे साफ हो गया, आदों का कल्याण वहीं हो गया। अरे बस क्या देखा? अरे सोडियम और वुड्स। नहीं, शाहरुख सर ने कहा था सोडियम इथोक्साइड और एथिल ब्रोमाइड। और आपको क्या दिखता हुआ बन रहा है? इथर। अरे साहब नाम में ही है विलियमसन इथर संश्लेषण, तभी तो केमिस्ट्री के लिए यहाँ पे जाना जाता है आपको कि बिल्कुल सही तरीके से सरलता से पढ़ाई जाती है। अरे साहब विलियमसन। अरे आप मान के चलिए बहुत सारे बच्चों ने आज वुड्स टिक कर दिया है क्योंकि उन्होंने क्या देखा बोलो सोडियम। और जिन बच्चों ने रिएक्शन बहुत बार देखी और उन्होंने इधर देखा है क्या बना बोलो? ईथर। अरे साहब विलियमसन। इसलिए क्लास में कहता हूं बच्चों प्रश्न को दो बार पढ़ो और ऑप्शन को ध्यान से देखो। किसी कोचिंग में आपको इतनी अच्छी तरीके से मेहनत नहीं करवा सकते जितनी हम यहाँ बार बार टेस्ट लेके करवाते हैं और रिएक्शनों को बिल्कुल मुंह पे याद करा देते हैं। अगला देखते हैं, चाहे एग्रीकल्चर हो चाहे बायोलॉजी हो कोई भी हो बहुत अच्छे से पढ़ाई जाती है यहाँ पे मेरे अजीज स्टूडेंट। अरे साहब फॉस्फरस की परमाणुकता बच्चा बच्चा जानता है बोलो क्या होती है? 4। क्या होती है बोलो? 4। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन पॉलीमराइजेशन द्वारा प्राप्त किया जाता है? नहीं साहब पीवीसी में तो योग होता है, पॉलीथीन में भी एथिन का योग होता है, स्टाइरिन से पॉलीस्टाइरिन बनता है। अरे साहब नाइलॉन 6-6। अरे मैंने कहा था आएगा ही आएगा, आज ही मान के चलो और वही आया आपका प्रिय नाइलॉन 6-6। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक एसिड इन दोनों के संयोग से क्या बनता है बोलो? संघनन। और इसमें से वो संघनन पॉलीमर कौन जिसमें से कुछ न कुछ निकलता है? H2O निकले, HCl निकले, तो साहब कौन सा? अरे नाइलॉन 6-6। देखिए अपने कॉपी कोड जहां लिखा हुआ है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नाइलॉन 6-6। आगे बढ़ते हैं फिर से। अरे साहब लास्ट में पेज पे जब मैं ऑर्गेनिक पूरी करवाता हूँ वहां पे पेज के ऊपर 8 चीजें लिखवाता हूँ साहब, एल्केन की कौन सी, एल्केन की कौन सी, एल्काइन की। अरे साहब सीधा पूछ लिया कार्बोनिल। अरे कार्बोनिल में कौन आता है? एल्डिहाइड और कीटोन। अरे साहब डबल बॉन्ड होता है, क्या होता है? अरे डबल बॉन्ड होता है। अरे यहाँ पर माइनस यहाँ पे प्लस HCN। अरे CN पे माइनस H पे प्लस, ये जाएगा H यहाँ पे और CN जाएगा यहाँ पे। क्या हुआ साहब? योग हुआ। पहला अटैक नाभिक से नहीं करता है इसलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्या साहब? न्यूक्लियोफिलिक। कौन सा हो गया? नाभिक से नहीं। फटाफट से आंसर दीजिए बच्चे, कमेंट बॉक्स को भर दीजिए, फटाफट से चलाइए और देखते हैं कितने स्टूडेंटों के सही जा रहे हैं। ये आ गया साहब मूल कंसेप्ट का, एक कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है जिसका मौलिक विश्लेषण 38.71 कार्बन है, 9.67 हाइड्रोजन है। आपको साहब अणुसूत्र नहीं पूछा, क्या पूछा बोलो? मूलानुपाती सूत्र। बहुत सरल, इससे सरल कुछ भी नहीं बोलो। 38.71 कार्बन दे रखा है आपको, गिवन दिया था कार्बन का मास होता है 12, 3 भाग दोगे 36 यानी 3.22 समथिंग आंसर आएगा। आपको हाइड्रोजन का दिया हुआ है 9.67, हाइड्रोजन का होता है 1, ये आएगा 9.67। क्लियर? अब आप कहेंगे साहब बहुत सारे बच्चे तो कह रहे हैं हमें ऑक्सीजन दिया ही नहीं है, तो आप इन दोनों को ऐड करो 51 point something कुछ आएगा, 51.60 या 61 समथिंग आएगा। और ऑक्सीजन कितना हो जाता है बोलो? 16 तिया कितना हो जाएगा? 48। अरे साहब देखो इसको एक को स्टैंडर्ड मान ले 3, तो 1 3 का भाग इसमें देंगे तो 3, इसको 1, ये 3 और ये फिर 1, कितना आ रहा है? सी 1 आ रहा है, एच 3 आ रहा है, ओ। अरे कौन सा आंसर होगा जल्दी से बताइए? सी। क्या हो जाएगा?
चलिए साहब आगे, इनऑर्गेनिक में आपको बार बार पढ़ाया जाता है कि भाई साहब विद्युत ऋणता का सही क्रम, सर बार बार कहते हैं अरे कौन सा आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणता, फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन और ब्रोमीन यहाँ पे। अरे बहुत सिंपल सा, अरे क्लोरीन, अरे क्लोरीन तो देखना ही नहीं था, आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की है, अरे यहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, अरे ऑक्सीजन पीछे कैसे आ सकता है, और यहाँ सबसे पहले ऑक्सीजन नहीं आएगा, पहले कौन आएगा, फ्लोरीन, आंसर जाएगा बी। लो साहब अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले केमिस्ट्री की अगर आंसर की आ रही है तो डॉक्टर ग्रीन पे ही आ रही है, सबसे पहले केमिस्ट्री आप यही देखिए, HPO3-2 का संयुग्मित अम्ल है, संयुग्मन का मतलब H जोड़ दीजिए, अरे H3 होगा क्या, नहीं H3 होगा क्या, नहीं H में एक और H, H2 क्या होगा साहब, H2PO3। अरे ये तो देखते ही ऑर्गेनिक में देखते ही साहब बेंजिक एसिड की सांद्र H2 होती है H2SO4, अरे साहब पहले ही M इफेक्ट में लिखाते हैं, अरे साहब एसिड जो है वो मेटा डायरेक्टिंग है, कैसा है बोलो, मेटा निर्देशकारी समूह, अरे कुछ भी नहीं देखना था, सीधा M नाइट्रोबेंजोइक, क्योंकि एंजोइक एसिड जो है वो मेटा निर्देशकारी, कैसा है मेरा अजीज स्टूडेंट, मेटा। अरे चलिए आगे, चाहे आवर्त सारणी हो चाहे एटॉमिक स्ट्रक्चर हो, आपको हमेशा, और मैं हमेशा एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद भी ये कॉन्फ़िगरेशन लिखाता हूँ, और मैं बार बार कहता हूँ क्रोमियम कॉपर निकल या 3D सीरीज में से एक जरूर आएगा। अरे साहब निकल आता है 28 पे, कितने पे आता है 28, लास्ट कॉन्फ़िगरेशन याद रखिए 3D8 4S2, देखिए यहाँ 3P8, अरे साहब ये तो होता ही नहीं है, पी की कैपेसिटी नहीं है भाई साहब, 8 बढ़ दी है, हो ही नहीं सकता, P6 4S2, अरे नहीं P8, अरे साहब दो ऑप्शन तो बनाने वाले ने पूरे जिंदगी में गलत बना दिए, बिल्कुल रॉन्ग, पी की कैपेसिटी 6 की है, अरे 8 बढ़ दी है, गजब ही कर दिया, अरे देखना यहाँ था, अरे 28 पे गिन लो, 6 और 4 10 12 और 6 18 18, और यहाँ पे क्या कर दिया साहब, यहाँ पे 3D8 और 4S2, बिल्कुल 18 और 20 और 8 28, यहाँ 28, यहाँ पे 4 5 6 7 8 10 16 और 18, अरे साहब गड़बड़ है यहाँ, तो आंसर सीधा यहाँ जाएगा 28 पे, 3D8 4S2। चलिए अगला, अरे साहब बहुत अच्छा पेपर केमिस्ट्री का, क्लोरीन में किस में +5 है, अरे Cl2 में 0, अरे इसको X मान लो, ये कितने है 2, 1 पे होती है -2, कितनी हो जाएगी बोलो 2, -4, नहीं साहब यहाँ पे इसको मान लो +1, इसको मान लो X, ये हो गई 3, ये हो गई -2, कितने हो गए +1 +x -6, x बराबर कितना हो जाएगा बोलो 6 -1, कितना आ जाएगा बोलो 5, कितना आ जाएगा 5, लेकिन यहाँ देखा जाए +1 x की निकालनी है, 4 -2 कितने हो गए बोलो -8, ये +1 +x 0, लो साहब x बराबर 8 - 1 कितनी आ रही है 7, हमें कितनी पूछी है 5, ये रही हमारा आंसर 6 - 1 5 HClO3, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे साहब मजा ही आ गया केमिस्ट्री के अंदर, कौन सा एक ऑर्गेनोफॉस्फेट, और सबको पता है BSC ऑर्गेनोफॉस्फेट नहीं है, BSC है बेंजील हेक्साक्लोराइड है, अरे एल्डिन फिनेट्रोथियन, कौन बोलो फिनेट्रोथियन, और फिनेट्रोथियन जो है वो फॉस्फेट है ऑर्गेनोफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉइल केमिस्ट्री का, कौन सा एक गैर विस्तारित खनिज है, बाकी विस्तारित है और गैर विस्तारित है कायोलिनाइट, कौन है बोलो कायोलिनाइट। नेक्स्ट, अरे साहब जब मैं कहता हूं कि केमिस्ट्री का एक भी एग्जाम ऐसा नहीं जा सकता जिसमें संकरण नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा संकरण, संकरण नहीं आया तो फिर केमिस्ट्री की एग्जाम की वैधता ही क्या है, बोलो जिनोन, कौन बोलो जिनोन, आउटर मोस्ट में 8, फ्लोरिन मोनोवेलेंट 1 संयोजी, 8 और 6 कितने हो गए 14 14/2 7, और जब 7 आता है तो आंसर आता है sp3d3, मुंह पे याद करवा दी जाती है केमिस्ट्री यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या n = 5 और साहब l = 0, बार बार बच्चों को कहते हैं l 0 है तो s, 1 है तो p, 2 है तो d, 3 है तो f, अरे साहब जब l ही 0 आ गया तो कुछ देखना ही नहीं है, ये केमिस्ट्री होती है s ब्लॉक, सीधा आगे बढ़ते हैं। अरे साहब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखवाया ऑर्गेनिक के अंदर, मिथेन में sp3 संकरण, इथीन में sp2 और इथाइन में sp, इन दोनों का परसेंटेज 50, इसका 33 और इसका कितना हो गया बोलो 25, पी का पूछे तो 75, रिवर्स में आ जाएगा,
पच्चीस तैतीस और पचास। अरे साहब पहला ही ऑप्शन दे दिया, 25, 33 और 50। अगला, 5.6 लीटर गैस STP पर वजन कितना है? बोलो 8 ग्राम। गैस का वाष्प घनत्व, अरे कुछ भी नहीं करना था, बहुत सरल। देखिए 5.6 STP पर दिया है 22.4, कितना हो जाए बोलो 8 अपॉन में कितना बोलो x। क्लियर? गुना करते इसको क्रॉस में, 8 को 22.4 से 5.6 से भाग देते, और जो भाग आता वाष्प घनत्व निकालने के लिए जो वैल्यू आती 32 पॉइंट समथिंग आती, उसको डिवाइड करते आंसर आ जाता बोलो 16। कितना आ जाता बोलो 16। अगला साहब, सॉइल केमिस्ट्री, सार मिट्टी को पुनः प्राप्त किया जाता है मिट्टी के निक्सालन से? नहीं साहब, चूने के पत्थर का उपयोग मिट्टी के संशोधन में करने से? नहीं, जिप्सम के मृदा संशोधन के रूप में प्रयोग करने से? अरे साहब बिल्कुल, आगे बढ़ना ही नहीं है, आंसर मिल गया साहब यही हमें तो। अरे निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा सबसे प्रबल? अरे सर ने कहा था DNP रूल, कौन सा बोलो? DNP। अरे यहाँ पे एक F, यहाँ पे एक क्लोरीन, यहाँ दो फ्लोरीन, क्लोरीन से ज्यादा कौन बोलो? फ्लोरीन, और फ्लोरीन में भी दो लगे हुए हैं, तो सीधा आंसर क्या जाएगा बोलो? फ्लोरो। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है वो मिट्टी में उच्चतम बायोमास देता है? बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज, कवक और शैवाल। यानी बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज, फंगई और एल्गी, तो सबको पता है कौन देता है साहब? कवक। चलिए नेक्स्ट। अरे साहब IUPAC सबसे बहुत आराम से पढ़ाई जाती है, और जब ऑर्गेनिक स्टार्ट की जाती है तो मैं इसको बिल्कुल बेसिक ABCD मानता हूँ, और तब जाके बच्चों का कमांड होता है। सबसे पहले तो वो बच्चे उड़ गए जिन्होंने इसको एथेनोइक एसिड मान लिया। नहीं साहब एसिड नहीं है, मैं बच्चों को कहता हूँ एलिमिनेट करना सीखो। सर ये एसिड क्या था? ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते, उड़ा दो, ये तो एथेनोइक थे। अरे साहब एसिड ग्रुप ही नहीं है, कहाँ से करे? हमें पता है सर ने पढ़ाया, ये तो एनहाइड्राइड है। अब ये और ये बचे बोलो 20 क्लोरो। अरे 20 क्लोरो कहाँ, यहाँ तो दो लगे हुए, डाई आना चाहिए, तो 20 डाई क्लोरो एथेनोइक एनहाइड्राइड। अरे और क्या चाहिए, यही तो जहान है हमारा। बिल्कुल सही, आगे बढ़ो। अरे साहब किसकी आकृति पिरामिड? अरे sp2 संकरण, sp2, sp2 और sp3। अरे साहब NH3 की फैमिली का पिरामिडल PCl3, क्या हो जाएगा? PCl3। अरे साहब नेक्स्ट, यहाँ बच्चों को लग रहा है ये क्या है, निम्नलिखित यौगिक में से किसमें द्विध्रुवीय आघूर्ण अधिक होगा, जिसमें एरोमेटिसिटी मेंटेन रहेगी? ये इधर जाएगा तो यहाँ 2 4, और ये इधर आया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आए 6, पर यहाँ खाली हो गए, लेकिन ये जब इधर जाएगा तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। अरे 2 4 और 6, 2 4 और 6, मेंटेन डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा बी का। आगे बढ़िए, पोटेशियम के साथ क्रिस्टलीकृत होता है कौन? यानी पोटेशियम क्रिस्टलाइज विद FCC है, BCC है, SC है या ऑर्थोरोम्बिक है? तो पोटेशियम के साथ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो बॉडी सेंटर क्यूबिक है, कैसा है बोलो? BCC। अगला नेक्स्ट, अरे साहब ऑक्सीडेशन स्टेट, बच्चों बहुत सवाल पूछे हैं, Cl2O7 में क्लोरीन की, अरे साहब क्लोरीन की माननी है तो ये कर ली 2x+, ऑक्सीजन कितने हैं 7, 1 की होती है -2 0, 2x -14 0, ये हो जाएगा 2x = 14, x = 14/2। अरे साहब कहाँ है 7+ में? ये रहा, कितना हो गया बोलो 7। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स है? अरे आप किसी को भी देखो, सब में, यहां भी देखो, यहां भी, सब में ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज, यहाँ MN जो है वो +3 में, तो यहाँ +2 में चला गया, यहाँ Na0 यहाँ पे प्लस में आ गया, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट परिवर्तित, कहाँ नहीं हो रही है? केवल ऑप्शन ए में, CO3, CaO और CO2। चलिए नेक्स्ट, एक ऐसी मिट्टी जिसका pH 8.5, ESP यानी और EC ज्यादा है 4 से, 8.5 से कम, और ESP आपका बोलो 15 से कम, क्या वो लवणीय सारी होगी? सारी होगी, लवणीय होगी या सामान्य? कैसी होगी साहब? सॉल्ट वाली, लवणीय मिट्टी। नेक्स्ट, कौन सा उर्वरक मिट्टी में अम्लता प्रदायक पड़ता है? अमोनियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या कैल्शियम नाइट्रेट? तो अम्लता तो जो देता है वो देता है अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट,
100 ml के 0.2 m H2SO4 को 100 ml 0.02 m NaOH में मिलाया जाए, जिसके परिणाम स्वरूप घोल होगा। अरे आप 0.2 m H2SO4 को 100 ml में मिला रहे हैं, वो भी 0.2 m NaOH में, तो घोल जो बनेगा अम्लीय सारीय तटस्थ या थोड़ा सारीय, वो बनेगा एसिडिक। कौन सा बनेगा बोलो? एसिडिक। नेक्स्ट, अरे साहब बहुत अच्छा प्रश्न मेटलर्जी से, भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व इंपोर्टेंट क्लास के अंदर लिखवाया, ऑक्सीजन। कौन सा बोलो? ऑक्सीजन। अरे इससे सरल तो सवाल ही नहीं हो सकता, 6 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या। अरे साहब 6 ग्राम गिवन है, कार्बन का होता है 12। अरे साहब 1/2, अरे 0.5। बच्चे पूरे साल घबराते हैं, सर कितना न्यूमेरिकल आएगा, बड़े बड़े न्यूमेरिकल कराते हैं। अरे 6/12 भाग दिया 0.5, क्या आया बोलो? 0.5। अगला क्वेश्चन देखिए, अरे किस यौगिक को बुझा हुआ चूना कहते हैं? बार बार बच्चों को कहता हूं मैं कि एक है बिना बुझा हुआ जिसमें एच नहीं है, और एक बुझा हुआ जिसमें क्या है बोलो? एच। अरे साहब बच्चों को एक एक को ग्रीन के मुंह पे याद है, COH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को इंग्लिश में बोलते हैं स्लैक, और इसको बोलते हैं क्विक। चलिए साहब, अरे फिर रिएक्शन, नेम रिएक्शन। अरे एक एक बच्चे को रिएक्शन याद है, और देखते ही बच्चों को पता लग गया AlCl3 मिथाइल क्लोराइड और बेंजीन। अरे साहब फ्रिडेल क्राफ्ट, और सर ने कहा था क्या बनता है? टोलुइन। क्या बनता है बोलो? टोलुइन। अरे साहब बेंजीन मिथाइल क्लोराइड, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन, लॉ साहब ये CH3 ऊपर क्या बन गया? टोलुइन। बहुत सिंपल ऑर्गेनिक लॉ साहब। नेक्स्ट, फेरिक क्लोराइड जोड़ने पर ताजा अपक्षेपित फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइड अवस्था में रूपांतरण किस प्रकार का उदाहरण है? जमावट, फ्लोरकेशन, वैप्तिकरण या प्रोटोनेशन? तो यह है पेप्टाइजेशन। क्या है बोलो? पेप्टाइजेशन। मेरे अजीज साथियों, जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाता हूं मैं कहता हूं मान के चलिए 3 क्वेश्चन, क्वांटम संख्या तो जान है जेड की, प्रश्न आता ही आता है, और मैं हर साल बच्चों को कहता हूं इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। यदि n बराबर 2 और l बराबर 1, अरे साहब बार बार कहता हूं n बराबर 2 l 0 s के लिए, और l 1 होती है p के लिए। किसके लिए? p के लिए। मैं इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, p में कक्षक 3, कितने बोलो? 3। अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6, कितने भरे जाते हैं? 6। और इसी से आपकी केमिस्ट्री ने आपका समा बांध दिया पेपर का। जिसने अगर केमिस्ट्री से भी शुरुआत की डॉक्टर ग्रीन के स्टूडेंट्स हैं, मुझे पूरा विश्वास है धूम मचा दी होगी। मेरे अजीज स्टूडेंट्स, इसी तरह आप मेहनत करती जाइए, एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। अब मैं आगे की शुरुआत के लिए अगले सब्जेक्ट के टीचर को बुलाता हूँ। अभी एक बार फिर से आपका स्वागत है डॉक्टर ग्रीन एग्रो क्लासेज में। जैसे कि भी आप केमिस्ट्री क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो अब अपन चलते हैं एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस में, जहां से लगभग सभी बच्चों के जो जेट की तैयारी कर रहे हैं उनका सबसे फेवरेट जो सब्जेक्ट होता है एग्रीकल्चर, और लगभग बच्चे यहीं से शुरुआत करते हैं। तो अपन देखते हैं कि क्या कैसा रहा। तो जल्दी से एक बार फिर से जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी बच्चे अपनी जो आंसर की है उससे मैच कर सके डॉक्टर ग्रीन एग्रो क्लासेस से। तो शुरुआत करते हैं अपन पहले क्वेश्चन से। आपका एग्रीकल्चर में सेट कोई सा भी हो सकता है, लेकिन आप क्वेश्चन मैच कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे जो सेट उठा रहे हैं उनमें पहला क्वेश्चन आया था कि जो रानीखेत नामक बीमारी होती है ये किस प्रजाति के जानवरों की होती है। ये क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आता है, ये LPM का क्वेश्चन था, और इसका आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 4 कुकुट, इसका बिल्कुल राइट आंसर था। देखिए दूसरा क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन है। जब भी अपन PGR पढ़ते हैं तो आपको पता है 5 PGR आपके कोर्स के अंदर है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है इथाइलिन, और यहीं से आपका क्वेश्चन आया था इस बार कि इनमें से कौन सा PGR है जो फलों को पकाने में काम आता है। आप PGR में सबसे बेसिक क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर है इथिलीन। वैसे इथाइलिन होता है, इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा इथाइलिन। सबसे इजी क्वेश्चन है। देखिए इस बार का जो एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है वो सबसे इजी क्वेश्चन आए थे, एग्रीकल्चर के अंदर बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। आप दोनों क्वेश्चन देखो, एकदम आपके नोट्स में से उठे हैं डॉक्टर ग्रीन एग्रो क्लासेज के। तीसरा क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन, आप सबको पता है कि जो जेट के जो रेसे निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन रेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अपन
रेटिंग के नाम से जानते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि राजस्थान को मसालों का सबसे ज़्यादा मसाले उत्पादन होते हैं वो राजस्थान के अंदर होते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन क्या क्या इन्होंने घुमा के पूछ लिया। क्वेश्चन पूछा है इन्होंने कि राजस्थान के अंदर मुख्य दो कौन सी मसाले वाली फसलें जिनका अपन उत्पादन करते हैं, तो इसका आंसर जाएगा जीरा और धनिया। इसका क्या आंसर है? क्यूमीन एंड कोरिएंडर। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। देखो मसालों के अंदर सबको पता है दोनों का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान के अंदर होता है। तो आंसर क्या जाएगा इसका? जीरा और धनिया जाएगा। ये देखिए, ये आपका एग्रीकल्चर में क्वेश्चन है, इरिगेशन से सिंचाई का क्वेश्चन आया है और बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे कि अधिकतम जल दक्षता प्राप्त किससे की जा सकती है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन आया है कि अगर आप इरिगेशन करते हो तो वहां पे आपको वाटर एफिशिएंसी सबसे ज्यादा किससे आपको मिलती है, कौन से इरिगेशन सिस्टम से मिलती है। आपके ऑप्शन थे जेट सिंचाई, फवारा, बूंद बूंद या कुंड सिंचाई। तो इसका आंसर जाएगा बूंद बूंद सिंचाई। ये लगभग आप कितनी बार आपको टेस्ट एग्जाम दिए होंगे उनके अंदर क्वेश्चन मिला होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन इन्होंने क्या किया, घुमा दिया इस क्वेश्चन को। इसके अंदर पूछा है कि डेयरी जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, इसको आप इंग्लिश में देखिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB पूछा है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन आता है NDRI करनाल हरियाणा, नहीं, इन्होंने बोर्ड पूछा है। क्या पूछा है? बोर्ड। और ये जो बोर्ड है ये आनंद गुजरात में है। कहाँ पे ये बोर्ड है? जो आनंद गुजरात में। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका जाएगा आनंद। जो बच्चे ऐड हुए हैं जल्दी से एक बार फिर से शेयर कर दीजिए इसको ताकि जो बच्चे हैं वो जुड़ सके। बट इस बार क्वेश्चन पेपर है बहुत ही ईजी पेपर आया था। देखिए मैं जब भी आपको अपन फ्लोरिकल्चर के अंदर पढ़ते हैं तो मैं सबसे पहले जब भी अपन ग्लोडुलस की बात करते हैं तो मैं बच्चों को ये बोलता हूँ कि ग्लोडुलस में आपको कुछ नहीं पढ़ना, केवल दो लाइन पढ़ने की जरूरत है। कौन कौन सी? आप कभी भी नोट उठा के देखिए, इंपॉर्टेंट लगे हुए रहते हैं। एक तो इसका प्रोपोगेशन और इसका एक पूछते हैं इनफ्लोरेसेंस। इन दो के अलावा ग्लोडुलस में से बहुत रेयर केस में क्वेश्चन बाहर से जाता है। और देखिए इस बार भी वही क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे पूछा है इन्होंने ग्लोडुलस का प्रोपोगेशन पूछा है किससे होता है। तो देखो इंग्लिश में इसको कॉम बोलते हैं, वैसे घनकंद होता है इसका हिंदी में, बट इन्होंने, मैंने बार बार बोलता हूँ आपको इंग्लिश और हिंदी साथ में पढ़ना चाहिए, तो इन्होंने इस बार कॉर्म लिख के पूछ लिया आप लोगों को। तो इसका आंसर क्या जाएगा? कॉम जाएगा इसका आंसर, कि ग्लोडुलस का प्रोपोगेशन किससे होता है? कॉर्म से होता है। ये देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी सा है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है, बस पूछने का तरीका अलग है। देखो यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि अगर हम अपन प्लांट में कटिंग कब बनाते हैं तो उसके अंदर जड़ों के विकास के लिए कौन सा हार्मोन इस्तेमाल करते हैं। इजी सा हार्मोन है, सबको पता है कि जड़ों के विकास के लिए या जड़ों को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? IBA। कौन सा होता है? IBA। बस इन्होंने क्या किया, IBA नहीं लिखा, IBA की जगह इन्होंने IBA का फुल फॉर्म लिख दिया, इंडोल 3 ब्यूटेरिक अम्ल। ये जो IBA होता है ये आपको पता है कैसा होता है? रूटिंग को प्रमोट करने वाला हार्मोन होता है IBA। नेक्स्ट क्वेश्चन है आया था आपको, देखिए एकदम इजी क्वेश्चन आया, लगभग ये क्वेश्चन जो बच्चे ने नॉर्मल तैयारी की है उस बच्चे के भी इस बार 40 में से लगभग 30 से ऊपर आप मान के चलिए एग्रीकल्चर में सही है, और जिन्होंने डॉक्टर ग्रीन एग्रो क्लासेज के साथ में तैयारी की है उन बच्चों के लगभग 40 में से 39 और 40, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके 40 आउट ऑफ 40 भी सही क्वेश्चन हो रहे हैं एग्रीकल्चर के अंदर, क्योंकि इस बार का पेपर है वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन ज़्यादा पूछे हैं। देखिए ये कितना बेसिक क्वेश्चन पूछा है आपको कि यहाँ पे गरीबों का भोजन, यहाँ पे क्वेश्चन आया था पुअर मेन्स फूड, और सबको पता है अपन किसको बोलते हैं पुअर मेन्स फूड? अपन बाजरे को बोलते हैं, पर्ल मिलेट। आपका आंसर यहाँ पे सही माना है कि गरीबों का भोजन या गरीबों का भोजन किसको बोलेंगे? अपन बाजरा को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको जब भी पढ़ाया है तब एक बेर का, हर बार आपको एक चीज बताता हूँ मैं कि बेर का जो प्रोपोगेशन है ये किसके द्वारा करते हैं अपन। देखो इसका आंसर जाता है रिंग बडिंग। क्या जाता है? रिंग बडिंग। मैंने आपको कितनी बार बोला है छल्ला कलिकाइन या रिंग बडिंग इसका आंसर जाता है, लेकिन अगर ये नहीं मिलता आपको तो इसका आंसर टी बडिंग जाएगा। क्या जाएगा? टी बडिंग। अगर मिलता है तो ऑप्शन में टी बडिंग भी नहीं आया, रिंग बडिंग भी नहीं आया, तो क्या आएगा यहाँ पे? बडिंग। मैंने आपको ये बार बार बोला था कि ये क्वेश्चन DDA के एग्जाम में यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन उठा था DDA के एग्जाम में, वहाँ पे भी रिंग बडिंग नहीं था, वहाँ पे भी केवल बडिंग था। तब भी मैंने आपको क्लास में बार बार बोला है
टेस्टों में भी आपने देखा होगा, और देख लो यहाँ पर भी आज वही क्वेश्चन इन्होंने भी क्या दिया, यहाँ पे बडिंग लिखा है, इन्होंने भी केवल बडिंग इसका आंसर माना है। इसलिए तो आपको जो भी टीचर्स ने पढ़ाया है लगभग 120 में से लगभग क्वेश्चंस आपको वहीं से मिले हैं, नोट्स से क्वेश्चन मिले हैं। तो एक बार आपको फिर से मैं बता दूं कि जैसे आपको पता है आज जेट का एग्जाम खत्म हो गया है, तो अपने जो बैचेज है वो भी शुरू हो गए हैं। तो जिन बच्चों का अभी 12th से पास हुए, पेपर तो लग रहा है कि देखो पेपर में फिक्स सीटें होती है, उसके अलावा ज़्यादा तो अपन देखो सभी का अच्छा होता है पेपर, लेकिन फिक्स सीट है तो सीटें कम है, इसीलिए आपको जो बच्चों का नहीं हुआ है हो पा रहा है सिलेक्शन, लग रहा है कि मेरे थोड़े कम नंबर है, तो जो बच्चे वापस से तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए जो अपने नए बैच है वो कल से शुरू हो रहे हैं, तो आप जल्दी से जल्दी जुड़ सकते हैं उनके लिए, और अपनी जो तैयारी है उसको अभी से आप पुख्ता बना सकते हैं। देखिए जो लगभग क्वेश्चन है वो आपको पेपर के नोट्स में से ही मिले हैं आपको। देखो अगला क्वेश्चन आया, ये बार बार जो आपने एग्रोनॉमी है शरण सर आपको जरूर पढ़ाते होंगे कि जो उड़द या जो मूंग होता है उसमें जो मिट्टी के अंदर कितने किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर स्थिरीकरण होता है, फिक्सेशन आपको जो होता है वो कितने किलोग्राम पर नाइट्रोजन होता है, तो इसका आंसर गया था 75 से 80 केजी, सी ऑप्शन इसका सही है। देखिए इस बार प्रोपोगेशन में से तीन क्वेश्चन आ गए, और तीनों के तीनों क्वेश्चन मैंने आपको बोला था, मैंने केवल पूरे प्रोपोगेशन में से 12 लाइंस का प्रोपोगेशन लिखवाता हूँ कि इनमें से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और देखिए इस बार भी तीनों आपके नोट्स से क्वेश्चन मिले हैं। इस बार जो क्वेश्चन आपको दो क्वेश्चन पहले अपन डिस्कशन कर चुके हैं, अगला क्वेश्चन देखिए कि देखो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन पूछा है इन लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि तना कलम या जो रूट कटिंग होती है इनमें से इसका टाइप या प्रकार नहीं है। तो आपको पता है देखो हार्डवुड कटिंग होता है, सॉफ्टवुड कटिंग होता है, हार्ड और सेमी हार्डवुड कटिंग होता है। कितना इजी सा क्वेश्चन था, केवल आपको क्वेश्चन पढ़ना, देखो सबके अंदर वुड का आया है, एक ही नहीं होता, कौन सा नहीं होता, रूट कटिंग। इसका आंसर क्या जाएगा, रूट कटिंग इसका आंसर जाएगा। नेक्स्ट देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन, सबसे बेसिक क्वेश्चन एग्रीकल्चर के अंदर वीट में से क्वेश्चन आया है कि जो आपका मैक्रोनी वीट है वो किसको बोलते हैं, तो बच्चे बच्चे को पता है किसको बोलते हैं, ट्रिटिकम ड्यूरम को अपन मैक्रोनी वीट का बॉटनिकल नेम होता है, बाकी आपको ट्रिटिकम एस्टिवम पता है जो कॉमर्शियली ग्रो करते हैं उसका आंसर है ये। तो इसका 13वां क्या जाएगा, ट्रिटिकम ड्यूरम इसका आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आया था कि जो एजेक्टोबैक्टर है वो निम्न में से कौन से होते हैं, सहजीवी होते हैं, बैक्टीरिया के साथ में स्थिरीकरण करते हैं, या सहजीवी नाइट्रोजन होते हैं जो कवक होता है, या मुक्त जीवित नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु होते हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा, मुक्त जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण, फ्री लिविंग नाइट्रोजन बैक्टीरिया। इसका जो क्वेश्चन आपको पूछा था एक्टोबैक्टर, उसका आंसर क्या जाएगा, मुक्त जीवित नाइट्रोजन स्थिरीकरण। जल्दी से जल्दी एक बार फिर से जो बच्चे नए जुड़े हैं वो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि और भी जो बच्चे हैं वो अपने आंसर्स मिला सके, उनको तसल्ली हो सके मेरे कितने क्वेश्चंस हो रहे हैं क्या नहीं हो रहा। देखो जब तक आंसर की नहीं आती है तब तक बच्चों के दिमाग में चलता रहता है कि मेरे कितने आंसर सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, क्या हुआ कैसा नहीं हुआ। तो आपको पूरे आपको यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट अपनी जो टीम है उससे डिस्कशन करने के बाद में ही आपको ऑप्शंस को आंसर आपको मिले हैं, तो आप 100% रिलायबल हो सकते हो डॉक्टर ग्रीन एग्रो क्लासेज की जो आपको आंसर की मिली है उसके ऊपर। ये देखिए इतना बेसिक सा क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको देखिए क्या क्वेश्चन है कि दूध के अंदर किस तत्व की कमी होती है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। तो आपको पता है किसकी कमी होती है, आयरन की कमी है, किसकी कमी है, आयरन की कमी होती है। देखिए फिर से आपको इरिगेशन में से क्वेश्चन आया है कि मृदा में जल को नीचे की ओर जो गति करते हैं उसको क्या बोलते हैं, जो मृदा में नीचे की ओर गति करते हैं सबको पता है क्या बोलते हैं, उसको परकोलेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसको परकोलेशन बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिला था कि जो मिल्क फीवर होता है, ये जो शरीर का तापमान है वो क्या होता है, इसके अंदर मिल्क फीवर के अंदर जो याद रखना जो तापमान क्या होता है, अपन लगभग बच्चों को ये लगता है कि फीवर आ रहा था तापमान बढ़ेगा, नहीं, यही बच्चे गलती कर देते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो बेसिक क्वेश्चन है उनको आराम से पढ़े। देखो यहाँ पे मिल्क फीवर में शरीर का जो तापमान होता है वो सामान्य से कम होता है, कैसा होगा, अगर बॉडी का टेम्परेचर सामान्य होगा उससे क्या होगा, टेम्परेचर कम होता है, मतलब उसके अंदर कौन सा बीमारी लगा है, उसके अंदर लगा है मिल्क फीवर, उसको अपन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत है इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा भाग या कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ पे पूछने की कोशिश की है इनमें, जो बगीचे प्रबंधन में नहीं आता। क्वेश्चन है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ऑर्चार्ड मैनेजमेंट। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। देखो ऑर्चार्ड मैनेजमेंट हो रहा है मतलब वहाँ पे ट्रेनिंग प्रूनिंग बेसिक सी बात है, कट चढ़ाई होगी ये तो होगी होगी, मैनेजमेंट में आएगा। सिंचाई और पोषण प्रबंधन ये भी होगी, कीट और रोग प्रबंधन ये भी होगी। एक चीज नहीं होती और उसका आंसर क्या है, क्रॉप इंप्रूवमेंट। क्या नहीं होगा, क्रॉप इंप्रूवमेंट किसके अंदर नहीं आएगा, बगीचे प्रबंधन के अंतर्गत नहीं आता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाला क्वेश्चन था। होप कि ये डॉक्टर ग्रीन के बच्चों का तो सही हुआ है, बाकी जो भी बच्चे देख रहे हैं उनका भी ये सही हुआ हुआ होगा। ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन है, एक में तो आपको फेमिली पूछी है क्वेश्चन और एक के अंदर आपको बॉटनिकल नेम पूछा है। मैं जब भी जो बच्चे पहली क्लास में आते हैं उनको यही बोलता हूँ कि आज आपसे डेली के 5 बॉटनिकल नेम और 5 फैमिली लिखिए। डेली फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया, एग्रोनॉमिक क्रॉप हो गया, ताकि जेट में आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। आज 2022 के पेपर में भी मिले हैं आपको यही क्वेश्चन। आपको 2023 में भी देखना, आपको फैमिली से क्वेश्चन आएगा और बॉटनिकल नेम से क्वेश्चन आएगा। हर बार बच्चों को बोलता हूँ, और जो बच्चे अभी 12th में एडमिशन हो चुके हैं उनको भी ये क्वेश्चन सही होंगे। मैं पहले दिन से ही बच्चों को ये हैबिट में आ जाते हैं कि उनको डेली 5 बॉटनिकल नेम और 5 फैमिली के नाम आपको याद होने ही चाहिए। देखो आपको 2 क्वेश्चन मिले हैं, बिल्कुल एक साथ क्वेश्चन मिले हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा था कि पालक का वानस्पतिक परिवार, ये पूछने की कोशिश कर रहा था फैमिली, वो थोड़ा हो गया इनको हिंदी इंग्लिश के अंदर। बाकी जो क्वेश्चन है इनमें फैमिली पूछा था, और सबको पता है कि जो पालक की फैमिली होती है कौन सी होती है, चिनोपोडियेसी। कौन सी होती है, चिनोपोडियेसी। अगला क्वेश्चन उड़द का वैज्ञानिक नाम, यहाँ से आपको बॉटनिकल नेम पूछा है तो क्या होगा इनका वैज्ञानिक नाम, उड़द का विग्ना मूंगो। बच्चे यहीं से कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि मूंग का कर देते हैं विग्ना मूंगो, मूंग का मूंगो नहीं आता है, उड़द का आएगा विग्ना मूंगो। तो उड़द का क्या नाम होगा, विग्ना मूंगो, ये उड़द का वानस्पतिक नाम होगा, बॉटनिकल नेम होगा। ये देखिए ये अभी जो लास्ट में जो पेपर हुए थे डॉक्टर ग्रीन के, वहां से क्वेश्चन एकदम एग्जिट यहाँ से क्वेश्चन उठा था कि विप टेल किसकी कमी के कारण होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, किसकी कमी से होता है विप टेल, मोलिब्डेनम की कमी से। किसकी कमी से होता है, यहाँ पे मोलिब्डेनम की कमी से कौन सा डिजीज होता है, सॉरी डिसऑर्डर है, ये एक प्रकार का विप टेल डिसऑर्डर है। किसकी कमी से होता है, मोलिब्डेनम की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन आया था कि सरसों या जो रेप सीड होता है इनके अंदर, इन्होंने सीड वेट पूछा है कि 1000 जो ग्राम 1000 सीड होंगे उनका टेस्ट वेट कितना होगा। तो कितना होता है इनका सीड वेट, कितना होता है इनका, 3 से 5 ग्राम होगा। कितना होगा इनमें, 3 से 5 ग्राम इसका राइट आंसर है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो बकरी के अंदर जो वयस्क नर होता है, जो एडल्ट मेल होता है, उसको अपन किस नाम से जानते हैं, बक के नाम से जानते हैं। बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन आए हैं इस बार एग्रोनॉमी में। ये देखिए अगले क्वेश्चन, देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा है आपसे कि जो पुरानी पत्तियों के अंदर अंतःशिरा क्लोरोफिसिस होता है वो किस पोषक तत्व की कमी के कारण होगा। इतना इजी क्वेश्चन आपको शायद ही कभी मिला होगा, तो इसका आंसर क्या जाएगा, मैग्नीशियम। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि जब आप ओरचार्ड में से क्वेश्चन आते हैं 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स होते हैं, वहीं से देखो एक ये क्वेश्चन आपको मैं बार बार बोलता हूँ कि हेक्सागोनल के अंदर जो स्क्वायर सिस्टम होता है वर्गाकार विधि से कितने प्रतिशत ज़्यादा पौधे लगते हैं, तो इसके अंदर लगेंगे 15%। कितने प्रतिशत ज़्यादा लगते हैं इसके अंदर, 15%। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर सही जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि कीटोसिस जुगाली करने वाले जीवों की एक प्रकार की बीमारी का कारण क्या होता है। जो कीटोसिस जुगाली करने वालों की एक जो जीव होते हैं उनमें एक बीमारी होती है, उनका जो रीजन है कारण है वो क्या होता है, तो यहाँ पे जाएगा परजीवी संकरण। इसका आंसर क्या जाएगा, पैरासिटिक जो इन्फेक्शन होता है वो उनका रीजन होता है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि जो बच्चे, मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ कि जो बच्चे वापस तैयारी कर रहे हैं, वापस जो अभी बच्चे तैयारी करने के लिए जुटे हैं, वो आज से ही एक संकल्प ले कि डेली के 5 मेरे को वैज्ञानिक नाम उनकी फैमिली याद करना है। देखिए 2 पहले क्वेश्चन मिल गए थे, 1 अब वापस क्वेश्चन आ गया, 3 क्वेश्चन आ गए।
तीन क्वेश्चन आए हैं बॉटनिकल नेम में से और फैमिली में से, और बार बार मैं यही बात आपको बोलता हूँ कि आप 100% मान के चलिए, दो क्वेश्चन मिनिमम है, आएंगे आएंगे, बाकी आपको ऊपर मिलते हैं वो सारे बोनस पॉइंट है। देखिए यहाँ पर भी जो क्वेश्चन आया था कि यहाँ पे आपको मेथ या जो फेनुग्री की फैमिली होती है वो कौन सी होती है, अब ये जो क्वेश्चन है, अब आपको पता है लेग्यूमिनेसी होती है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने लेग्यूमिनेसी नहीं लिखा, यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, फेबेसी, क्या दिया है, फेबेसी। और मैं जब अपन जो बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं डॉक्टर ग्रीन, उनको अच्छे से पता है कि मैं जो टॉपिक क्लियर करवाता हूँ कि जो मेथी है जो फेबेसी है इनका दूसरा नाम होता है, लेग्यूमिनेसी का दूसरा नाम फेबेसी होता है, सिजलपीनियसी होता है। ये डॉक्टर ग्रीन के बच्चों के नोट्स के अंदर आपको पहली लाइन यही लिखी हुई मिलती है कि लेग्यूमिनेसी का दूसरा नाम फेबेसी होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है वो आपको थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन पूछा है, रिसेंट में एक वेराइटी आई थी पोटेटो या आलू की जिनके अंदर सूक्ष्म तत्वों कैरोटीनॉइड या एंथोसाइनिन इनकी मात्राएं अधिक थी। क्वेश्चन आया था आपको नेम ऑफ रिसेंट रिलीज पोटेटो वेराइटी रिच इन माइक्रोन्यूट्रिएंट कैरोटीनॉइड एंड एंथोसाइनिन कंटेंट, तो इसका जो आंसर था वो था कुफरी मनिक। क्या आंसर था ये, कुफरी। और आपको पता है कुफरी की जो भी वेराइटी है ये आपको कहाँ से, कुफरी शिमला से आपको रिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपको कि जो मवेशी होते हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, जो कैटल्स वगैरह होते हैं उनमें आपको क्रोमोसोमों की संख्या पूछी थी तो इनमें कितना होता है, 60, कितनी है इनकी, 60 आपका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि जो हाइग्रोमीटर होता है वो क्या, किसके द्वारा अपन क्या माप सकते हैं, एक आपको यंत्र का पूछा था, तो इसके अंदर सापेक्ष आर्द्रता, हाइग्रोमीटर से अपन के द्वारा क्या मापते हैं, इनके अंदर सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जुगाली करता है, कि इनके अंदर रुमिनेंट टाइप कौन सा एनिमल या कौन सा कैटल होता है, आपके ऑप्शन थे सुअर, मुर्गा, कुत्ता और भैंस, इसका आंसर था भैंस, इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और सबको पता रहता है, मोस्टली बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आया है कि भारत का विश्व में फल और सब्जी उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो कौन सा स्थान है इसके अंदर, दूसरा स्थान। देखो दोनों के अंदर, सब्जियों में भी दूसरा है और फल उत्पादन में भी कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विश्व में सर्वाधिक गोजातीय जनसंख्या वाला देश कौन सा है। देखिए अभी जो रिसेंट डाटा आए हैं उनके अकॉर्डिंग भारत के अंदर सबसे ज्यादा गाय व भैंसों की जनसंख्या, तो इसका आंसर क्या जाएगा, इंडिया। देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रोटेस्टेंट हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होता है, तो सबको पता है किससे होता है ये, अंडाशय के द्वारा, किससे होता है, अंडाशय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैं बार बार बोलता हूं, धान, राइस, वीट, गेहूं सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है, यहाँ से क्वेश्चन उठेगा, मतलब उठेगा और इजी सा बेसिक सा क्वेश्चन उठता है। इस बार क्वेश्चन आया था कि धान में किस प्रकार का परागण पाया जाता है, ता आपको था स्वपरागण, परपरागण, ओपन क्रॉस पोलिनेशन जिसको बहुधा परपरागण या अक्सर स्वपरागण भी बोल सकते हैं अपन, तो इसके अंदर जो राइट आंसर था इसका वो क्या जाएगा, स्वपरागण। धान किस प्रकार की फसल होती है, धान एक सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आया था कि जो बरसीम के अंदर नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी होता है, यहाँ को आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बैक्टीरिया का नाम पूछा था कि इनमें से कौन सा जो बैक्टीरिया होता है ये बरसीम के अंदर, तो बरसीम का आपको सबको पता है क्या होगा, राइजोबियम ट्राइफोलियम, क्या होगा, राइजोबैक्टीरियम ट्राइफोलिया होता है जो बरसीम के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, राइजोबियम ट्राइफोलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जो प्याज के अंदर जो बल्ब डेवलपमेंट होता है इसके लिए कितना तापमान की आवश्यकता होती है, बहुत से मैंने आपको टॉपिक के अंदर लिखवा रखे हैं, मैंने आपको लिखवाया था 15 से 20, तो 15 से 20 नहीं यहाँ पे क्या आया है, 15 से 25, तो इसका आंसर क्या जाएगा, 15 से 25 इसका राइट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था कि देखिए यहाँ पे मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप एक बार हिंदी में पढ़ लीजिए, फिर आप इंग्लिश में भी उसको पढ़ के देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि सामान्यतः विछिन्न पुष्प के रूप में उपयोग किया जाता है, अब बहुत सारे बच्चों को हिंदी में वर्ड सुनने को नहीं मिला था,
अगर जिन्होंने इंग्लिश में पढ़ा है तो अच्छे से पता है लूज फ्लावर, और जैसे ही लूज फ्लावर दिमाग में आता है वैसे ही सब बच्चों को पता है। अपन जब भी फ्लोरिकल्चर की क्लास स्टार्ट करते हैं तो मैं आपको बोलता हूँ कट फ्लावर और लूज फ्लावर में अंतर बताओ, तो मैं यही बोलता हूँ। आपको पता है कि कट फ्लावर गुलाब, अगर आपको सबसे पहले अपन किसी को गुलाब देते हैं वो होता है कट फ्लावर, जिनके अंदर स्टेम पाया जाता है उसको तो कट फ्लावर बोलते हैं, और लूज फ्लावर उसको बोलते हैं जिसके अंदर स्टेम नहीं पाया जाता। तो सबसे इजी सा इसको आंसर था, गेंदा एक प्रकार का कैसा होता है कट फ्लावर, सॉरी लूज फ्लावर है, कैसा होता है लूज फ्लावर होता है। अगला क्वेश्चन आया था कि ओस मापने के लिए इनमें से अपन कौन सा इक्विपमेंट काम में लेते हैं, तो ओस मापने के लिए कौन सा लेते हैं ड्रोसोमीटर, कौन सा लेते हैं ड्रोसोमीटर काम में लेते हैं। और लास्ट क्वेश्चन एग्रीकल्चर का आपको वैरायटी में से क्वेश्चन आया था, और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमें वैरायटीज याद नहीं होती हम क्या करते हैं। मैं उनको यही बोलता था कि आप टमाटर बैंगन और आम और केले की चार की याद कर लेना, उन बच्चों के लिए जिनको बिल्कुल याद नहीं होती। और देखो उन्हीं में से क्वेश्चन आ गया अर्का रक्षक का, कि अर्का रक्षक किसकी वैरायटी है, अर्का रक्षक है टमाटर की वैरायटी। तो ये थे अपने एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस। और अब जिन बच्चों को अगर पीडीएफ भी चाहिए इनकी, तो आपको जो नंबर है डॉक्टर ग्रीन के वहाँ से कॉन्टेक्ट करके आपको पीडीएफ भी आपको व्हाट्सअप मिल जाएगी, अदरवाइज इसको अपन पिन कर देंगे यहाँ पे नीचे, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। अब अपन बात करते हैं एग्रीकल्चर से की बात होगी, केमिस्ट्री की बात होगी, अब थोड़े से अपन बात कर लेते हैं आपके जो बायोलॉजी के क्वेश्चन आए थे। बायोलॉजी के क्वेश्चन देखो, बायोलॉजी में आपको पहला क्वेश्चन आया था जो पीनियल ग्रंथीज होती है ये कहाँ पे मौजूद होती है, तो इसका जो आंसर आया था वो आया था अगर मस्तिष्क के पृष्ठीय भाग पर, यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि पीनियल ग्रंथीज होती है, पीनियल ग्लैंड्स होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, कहाँ पे प्रेजेंट होती है वो अगर मस्तिष्क के पृष्ठीय भाग के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस फाइलम के जंतुओं के शरीर में गुहा होती है, एनिमल्स विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम हैव कैविटी इन देयर बॉडी, तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा एनिलिडा। एनिलिडा एक प्रकार का फाइलम होता है जिनके जंतुओं के अंदर क्या होती है गुहा प्रेजेंट होती है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है ये आपको एग्रीकल्चर का भी क्वेश्चन मिल जाएगा और यही क्वेश्चन आपको बायोलॉजी में भी क्वेश्चन मिल जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से किसके अतिरिक्त सभी में एक से अधिक पीजीआर मिलकर घटना को प्रभावित करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग है मोर देन वन पीजीआर इंटरेक्ट टू इफेक्ट देयर इवेंट एक्सेप्ट, प्रभावित इनको पूछा है कि नहीं करते, देखो लास्ट में क्या लिखा है इनको एक्सेप्ट लिखा है, तो इसके अंदर आया था बीजी एवं कलिकाओं के प्रस्तुति के अंदर कि डोरमेंसी इन सीड एंड बर्ड्स। अगला क्वेश्चन था एपिकल डोमिनेंसी, देखो इसमें भी आपको एपिकल डोमिनेंसी आ गया। नेक्स्ट था विगलन एब्सेंस, और इसका अगला क्वेश्चन था बोल्टिंग, इन चारों में से आपको पूछा था कि किनमें नहीं करते, तो इसके अंदर आंसर जाएगा इनका बोल्टिंग, क्या जाएगा इसके अंदर बोल्टिंग इसका राइट आंसर है। देखिए बाकी सब के अंदर जैसे डोरमेंसी आती है, डोरमेंसी को भी एब्सेसिक एसिड और ये आपका एबीए, ये दो प्रकार के हार्मोन है वो आपको प्रभावित करते हैं, और एपिकल डोमिनेंसी आती है, एपिकल डोमिनेंसी के अंदर आपका एक तो ऑक्सिन आता है, ऑक्सिन के में एपिकल डोमिनेंसी और एबीए के अंदर ये दोनों आपको मिलके डोमिनेंसी करता है। विगलन के अंदर इथाइलिन भी आता है और साइटोकाइनिन भी आता है, सॉरी एबीए और इथाइलिन दो प्रकार के आते हैं, लेकिन बोल्टिंग के अंदर केवल एक इफेक्ट आता है जिब्रेलिन शो करता है, कौन करता है ओनली फॉर जिब्रेलिन, केवल एक प्रकार का होता है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर जाएगा बोल्टिंग। देखिए ये क्वेश्चन टेक्सोनोमी ऑर्डर का, ये बार बार आप कभी भी एग्जाम लिखो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि टेक्सोनोमी ऑर्डर का सही क्रम कौन सा है, इनमें आया था कि करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनोमी ऑर्डर, तो इसका जो राइट आंसर था वो था प्रजाति जीनस परिवार क्रम और विभाजन। देखिए स्पीसीज जीनस फैमिली ऑर्डर और डिवीजन, ये का बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस था और इसका आंसर था ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आया था कि जो स्पीसीज जो प्रजाति शब्द है ये किसने दिया था, किसने कोइन किया था, तो आपके चार ऑप्शन थे अरस्तु, कार्लस लिनियस, जोनरे और चार्ल्स डार्विन, इसका राइट आंसर आपका था जोनरे, क्या था इसका राइट आंसर जोनरे, इसका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिला था
कि अर्धसूत्री विभाजन में जो सिनेप्सिस की प्रक्रिया है वो कौन से, जिसमें पांच प्रकार के अलग अलग टाइप्स होते हैं, इसमें किसके अंदर देखने को मिलती है, तो किसमें मिलती है ये, जब जाइगोटिन फेज आती है, जाइगोटिन अवस्था के अंदर ये अपने को सिनेप्सिस बुकेट वगैरह अवस्था होती है वो देखने को मिलती है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, जाइगोटिन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका मोर्फोलॉजी से क्वेश्चन उठा था, और यही जो क्वेश्चन है अगर बच्चों ने इंग्लिश के अंदर पढ़ा है उन बच्चों को देखते ही क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो गया होगा कि जो पुष्पन में जो डंटल आते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, पुष्पाक्ष बोलते हैं, पेट्यूल्स बोलते हैं, व्रंत बोलते हैं या स्टिप्यूल्स बोलते हैं। अब आपको अच्छे से पता है उनको क्या बोलते हैं, अपन पेडिकल बोलते हैं, देखिए पेडंकल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको अपन, पेडंकल बोलते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर पुष्पाक्ष इसका बिल्कुल इसके अंदर जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 जाएगा, पेडिकल जाएगा, क्या बोलते हैं उसको अपन, पेडिकल बोलते हैं। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था ये, इंग्लिश के अंदर आपको पढ़ना था, बच्चे कभी कभार क्या होते हैं हिंदी के अंदर कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो इसका राइट आंसर जाएगा व्रंत, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस जड़ों के किस भाग को मूल रोम भाग भी कहा जाता है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से जड़ों के किस भाग को मूल रोम भाग भी कहा जाता है, मूल गोप, कोशिका विभाजन क्षेत्र, कोशिका विवर्धन क्षेत्र या कोशिका परिपक्वता क्षेत्र, तो इसका जो राइट आंसर था वो क्या था, कोशिका परिपक्वता क्षेत्र इसका राइट आंसर था। ये देखिए कितना बेसिक सा क्वेश्चन आया था आपके कि जो स्टार्च में जो एक अणु उत्पादन के लिए कितनी बार C3 चक्र को पूरा होने की आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर था 6 बार, अगर C3 चक्र पूरा होगा तब कितना अणु का उत्पादन होगा, एक अणु स्टार्च का कितना अणु उत्पादन होगा, एक अणु उत्पादन होगा। अगला क्वेश्चन था कि प्रीरंभ में दृढ़ोतक की अर्धचंद्राकार पट्टियां पाई जाती है, आपके ऑप्शन थे एक बीजपत्रीय तना, द्विबीजपत्रीय तना, द्विबीजपत्रीय मूल में और एक बीजपत्रीय मूल में, तो आपको पता है अर्धचंद्राकार जो पट्टियां होती है वो द्विबीजपत्री जो पादप होते हैं उनकी जड़ों में देखने को मिलती है, डाइकोट्स जो रूट होती है उनमें देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन आया था कि जो स्नायु बंधन लिगामेंट्स में निम्नलिखित में से कौन से दो को अपन आपस में जोड़ते हैं, आपका था हड्डियों को मांसपेशियों से, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ते हैं, या फिर हड्डियों को स्नायु से जोड़ते हैं, या मांसपेशियों को किससे जोड़ते हैं अपन, स्नायु से जोड़ते हैं, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, हड्डियों को किससे जोड़ते हैं अपन, हड्डियों को जोड़ते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्नायु बंधन या लिगामेंट्स में जो जोड़ते हैं उनको हड्डियों से हड्डियों में जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आपको कीट का एंटोमोलॉजी क्वेश्चन है, और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आया था कि जो फली छेदक जो कीट होता है सबको पता है इसका बोटनिकल नेम, देखो यहाँ पर भी आपको जूलॉजिकल नेम पूछ लिया, साइंटिफिक नेम पूछा है, जो तने के अंदर होता है पोड बोरर, उसका क्या नाम होता है, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, क्या नाम होता है इसका, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा इसका राइट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था कि कोशिका केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन आया था आपके लिए, इसमें था रुडोल्फ विर्चो, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन या स्वान ने, तो किसने की थी इसकी खोज, रॉबर्ट ब्राउन ने, किसने की थी इसकी खोज, रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। ये देखिए इकोलॉजी के अंदर पहली लाइन में से क्वेश्चन उठा था कि भारत में जो परिस्थिति का तंत्र का उसका जनक किसको कहते हैं, कि कंसीडर एज ए फादर ऑफ इकोलॉजी, आपके ऑप्शन थे रामदेव मिसर, और नीचे जाने की आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी, क्यों, सबको पता है किसको बोलते हैं अपन, रामदेव मिश्र को भारत के अंदर इकोलॉजी का फादर या फिर पारिस्थिति का जनक अपन बोलते हैं। देखो अगले क्वेश्चन आया था कि द्विबीजपत्री जो पादप होते हैं उनमें जो तने में संवहनी बंडल होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, जो वेस्कुलर बंडल पूछे थे डाइकोट स्टेम वो किस प्रकार के होते हैं, उनमें खुले संयुक्त एंडास टाइप के होते हैं या फिर बंद संयुक्त एंडास टाइप के होते हैं या खुले संयुक्त एक्सा टाइप के होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर था वो पहला ही आपका ऑप्शन इसका सही था, किस प्रकार के होते हैं, इसके अंदर खुले होंगे और संयुक्त हो वह कैसे होंगे, एंडास टाइप के होंगे, तो इसका जो पहला ऑप्शन था वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन था। अगला ऑप्शन देखिए कि निम्नलिखित में से
किस कोशिका भित्ति के सेल्यूलोज की नहीं बनी होती है? बहुत इजी सा बेसिक सा क्वेश्चन आया था कि इनमें से आपको बताना था कि किनकी जो सेल वॉल होती है उनके अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती है, उसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से मिलके नहीं बनी होती। तो इसका आंसर था कवक। क्या था इसका आंसर? कवक जो होते हैं इनके अंदर जो इनकी कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज से मिलके नहीं बनी होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भोजन में नियासिन की कमी से जो नियासिन की कमी हो जाती है उससे कौन सा लक्षण पैदा होता है? एग्जैक्टली में यहाँ पे ये पूछा गया था जो नियासिन की कमी होती है वो आपके नियासिन जो रोग होता है वो नियासिन कमी से कौन सा रोग पूछा था, तो कौन सा रोग होता है नियासिन कमी से? पेलेग्रा। कौन सा होगा? पेलेग्रा। और मैं आपको बार बार यही बोलता हूँ कि विटामिन्स हो गए, इनमें से क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन उठते हैं। देखो आ गया क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन आपका यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आया था कि जो एबीओ ग्रुप होता है ब्लड का वो प्राणी का अगर रक्त समूह ओ की विशेषता बताई थी कि एक एबीओ प्राणी में जो रक्त समूह ओ होता है उसकी क्या विशेषता होती है। तो आपको चार ऑप्शन थे कि एंटीजन ओ की उपस्थिति ऑप्शन ए, ऑप्शन बी था एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों की उपस्थिति, और तीसरा था एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों की अनुपस्थिति। और इसका आंसर क्या जाएगा? इनमें एंटीजन नहीं पाए जाते, अब्सेंट होते हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस के किस अयोग्यता द्वारा होगा? अयोग्यता जो पूछा गया था किसके द्वारा होता है, तो इसमें आपको चार ऑप्शन मिले थे। इसके अंदर आपको आर एच नेगेटिव माता वह आर एच पॉजिटिव भ्रूण, ये इसका राइट आंसर था कि इरिथ्रियोब्लास्टोसिस फिटेलिस की अयोग्यता किसके द्वारा होती है, तो किसके द्वारा होती है? आर एच नेगेटिव माता, यो आर एच नेगेटिव मदर और आर एच पॉजिटिव फिटियस या भ्रूण, ये इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन आया था कि जो एपोमिक्सिस किसके गठन को संदर्भित करता है, कि एपोमिक्सिस रेफर्स टू फॉर्मेशन ऑफ, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आया था। एपोमिक्सिस किसके गठन को करता है? सीड या बीज के गठन को करता है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछा था। अगला क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक रूप से एबीए के समान होता है? देखिए एबीए यहाँ से तीन चार क्वेश्चन आया है इस बार हॉर्मोन्स में से, तो एबीए का नॉर्मली काम होता है डोरमेंसी का। किसका काम होता है? डोरमेंसी का, स्टामेटा क्लोजिंग का हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन। और ये सेम जो फीचर्स होते हैं, जो सेम जो करेक्टरिस्टिक होते हैं वो किसके होंगे? डोरमीन के होंगे। किसके होंगे? डोरमीन के। तो इसका ऑप्शन नंबर थ्री इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आया था कि एक युग्मक में होते हैं कि आप एक गैमेट से क्या कंटेंट करते हैं, एक जीन के दो एलील, एक जीन का केवल एक एलील, एक जीन के सभी एलील या कोई भी नहीं। तो इसका आंसर क्या जाएगा? जीन का केवल एक एलील। यहाँ पे युग्मक पूछा है, क्या पूछा है? युग्मक पूछा है, तो क्या आएगा? युग्मक का केवल एक एलील इसका राइट आंसर जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आया था कि ग्लाइकोलाइसिस और टीसीए जो साइकिल होती है उसके बीच में क्या डिफरेंस होता है, जो इंटरमीडिएट बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड टीसीए साइकिल, पाइरूविक एसिड या ग्लूकोज 1,6 डाइफोस्फेट, ऑक्सैलो एसीटेट या एसिटाइल सीओए। तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर फोर्थ जाएगा, एसिटाइल सीओए जाएगा। क्या जाएगा? एसिटाइल को ए एंजाइम इसको अपन बोलते हैं, वो जाएगा। ये देखिए वापस क्वेश्चन पादप हॉर्मोन्स में से आ गया आपका। इस बार तीन से चार क्वेश्चन आता है। अभी मैंने बात की थी कि हॉर्मोन शीर्ष प्रमुखता विनिमय कौन दर्शाता है, सबसे बेसिक सा क्वेश्चन आता है हॉर्मोन्स में, इजी इजी क्वेश्चन आए, तीन से चार क्वेश्चन पूछे हैं। और इसका आंसर क्या जाएगा? देखिए एपिकल डोमिनेंसी कौन शो करता है, सबको पता है, कौन करेगा? ऑक्सिन। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑक्सिन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुपर्णी पत्तियां पाई जाती है, कि जो अनुपर्णिया जो पत्तियां होती है स्पेचुअल लिप्स किसके में प्रेजेंट होती है, किस फैमिली की विशेषता है? तो सोलनेसी, फेबेसी, लीलिएसी और ब्रैसिकेसी। तो इसका आंसर क्या जाएगा? लीलिएसी जो ग्रुप होते हैं उसकी जो पत्तियां होती है ये अनुपर्णी पत्तियां पाई जाती है। कौन सी पत्तियां पाई जाएगी इनके अंदर? अनुपर्णीय पत्तियां पाई जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, मनुष्य होमो प्रजाति, शेर पैंथरा प्रजाति, अगला था बिल्ली फेलिसिस जीनस, अगला चीता
जुबेटस जीनस, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 जो बिल्ली के अंदर फेलिस जीनस होता है ये इसका बिल्कुल सही युग्मक था। अगला क्वेश्चन देखिए, एपिकल्चर का क्वेश्चन है कि मधुमक्खी में नर का जनन कैसे होता है, किससे होता है। मधुमक्खी नर प्रजाति होती है, आपको सबको पता है जो नर वाले होते हैं वो बिना निषेचन के अंडों के द्वारा होते हैं, अनिषेचित अंडों के द्वारा उनका जन्म होता है। तो इसका आंसर जाएगा अनिषेचित अंडों के द्वारा। ये देखिए ट्राइकोग्रामा और ट्राइकोडर्मा हर बार क्वेश्चन आता है, इस बार भी क्वेश्चन आया है कि ट्राइकोग्रामा प्रजाति किस परजीवी के ऊपर होते हैं, तो कैसे होती है, ये अंडे होते हैं। इसमें क्या क्वेश्चन आया था, ट्राइकोग्रामा इसी से पैरासाइट ऑन, किस पे पैरासाइट या परजीवी होते हैं, ये अंडों के ऊपर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पोएसी में पाया जाने वाला फल कौन सा होता है। सबसे बेसिक और इजी क्वेश्चन, सबको पता है धान हो गया, गेहूं हो गया, इनमें जो फ्रूट टाइप होता है वो यहाँ पे पूछा है, तो क्या होगा कैरियोप्सिस, क्या होगा यहाँ पे कैरियोप्सिस होगा, जो धान बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं अपन कैरियोप्सिस, तो इसका राइट आंसर क्या होगा कैरियोप्सिस। अगला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ओमेलिया, ओबेलिया, क्या किसका नहीं है, ये ओबेलिया जो है वो प्रोटोजोआ का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन आया था कि जो यूकेरियोट्स के अंदर 40S होते हैं, 40S राइबोसोम होते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं, ये आपके 18S rRNA होंगे, कैसे होंगे 18S rRNA होंगे। ये देखिए PCR में से हर बार क्वेश्चन आता है, या तो जनक पूछते हैं, इस बार क्वेश्चन आया था कि PCR तकनीक में प्रयुक्त टोक पोलीरेज किसका एक स्रोत होता है, ये कि क्या था, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, हेलोफिलिक, क्रायोफिलिक या मेजोफिलिक। तो सबको पता है जो PCR में तकनीकी में जो प्रयुक्त होने वाला पॉलीमरेज है वो किसका स्रोत होता है, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया का। इसका आंसर क्या जाएगा, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया इसका राइट आंसर जाएगा। वापिस देखिए, क्वेश्चन आया था कि सबसे अधिक जीन किस में पाए जाते हैं, आपके पास में ऑप्शन थे एक्स गुणसूत्र, वाई गुणसूत्र, एक्स माइनस वन गुणसूत्र और एक्स 22 गुणसूत्र, किस में पाए जाएंगे, एक्स वन में, किस में पाए जाएंगे, गुणसूत्र फर्स्ट के अंदर सबसे अधिक जीन पाए जाएंगे। देखिए वापिस आ गया ट्राइकोड्रामा, मैंने बोला सबसे इंपॉर्टेंट है ट्राइकोड्रामा, ट्राइकोग्रामा को अच्छे से पढ़ के जाना है कि ट्राइकोड्रामा यहाँ पे क्या है, ट्राइकोड्रामा अपन क्या होता है, एक क्या होता है, ये फंजाई होगा, क्या होगा, एक प्रकार का ये फंजाई होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नोटोकार्ड गैस्ट्रोला किस परत में विकसित होंगे, क्या क्वेश्चन आया था कि नोटोकार्ड जो गैस्ट्रोला किस परत के अंदर होंगे, तो किसके अंदर होंगे, ये मेसोडर्म में, किस में होंगे, ये मेसोडर्म के अंदर ये विकसित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि जल में सूक्ष्म जीवों के साथ पूर्व उपचारित करने की एक प्रक्रिया जो जूट में फाइबर बंडलों को केंद्रीय तने से अलग करती है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया था जो जूट में फाइबर बंडलों के जो केंद्रीय तने होते हैं उनसे अलग करती है, वह लकड़ी के उत्कों से तंतुओं को ढीला करती है, लूज करती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एरोइंग बोलते हैं, फ्लेटिंग बोलते हैं, रेटिंग बोलते हैं या बोल्टिंग बोलते हैं। तो अभी आपको बताया था क्या बोलेंगे उसको, रेटिंग बोलेंगे। ऐसा सेम मिलता जुलता क्वेश्चन भी एग्रोनॉमी में भी आया था, वहां पर भी यही आंसर था, और यह का ही एक मिलता जुलता सा क्वेश्चन कहाँ पे पूछ लिया आप लोगों को, बायोलॉजी के अंदर पूछ लिया, इसका आंसर क्या जाएगा, रेटिंग जाएगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन आया कि जो मधुमक्खियों के जो छत्ते होते हैं उनके अंदर जो वर्कर होते हैं वो कौन होंगे, सबको पता है कौन होते हैं जो वर्कर, बी होती है जो वर्कर मक्खियां होती है वो कौन सी होती है, बांझ मादाएं, बांझ नर, दिवलंगी या फिर निम्फ होते हैं, तो इनमें कौन सी होती है, स्टराइल फीमेल होगी, कौन सी होगी, इनमें स्टराइल फीमेल इनका राइट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि अधिकांश पौधों में शर्करा किस प्रमुख के रूप में स्थानांतरित होती है, क्वेश्चन आया था विच इज द मेजर ट्रांसलोकेट शुगर मोस्ट ऑफ द प्लांट, इसमें सुक्रोज, ग्लूकोज, मेनोज या फ्रक्टोज, तो किस में होती है, इजी सा क्वेश्चन था, सुक्रोज के अंदर, किस में जाएंगे, ये सुक्रोज में। अगला क्वेश्चन देखिए, स्तनधारियों के अंदर जो 12 द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट व 12 द्वितीयक ओसाइट द्वारा कितने शुक्राणु व अंडाणुओं का निर्माण होता है, कितने अंडाणु शुक्राणु, आपको संख्या पूछिए तो कितने होंगे, इसमें देखिए इसमें 12 तो शुक्राणु बनेंगे और 24 तो शुक्राणु बनेंगे और 12 अंडाणु बनेंगे इसके अंदर।
अगला और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खाने वाला कवक नहीं है। क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग फंगस इज नॉट एडाइबल। इसमें था मोरेलस था, एगेरिकस था, ट्रफल था और ऑस्ट्रेलियोगोनस। जो एगेरिकस तो आपको पता है किसको बोलते हैं अपन, मशरूम को बोलते हैं। इसका आंसर क्या जाएगा, अरेस्टिलेगा। क्या जाएगा, अरेस्टिलेगो खाने वाला फंजाई नहीं होता। तो ये आपको तीनों के आपको आंसर के यहाँ पर सोल्व करवाई है। मैं आशा करता हूँ कि जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे होंगे उनको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसको और ज़्यादा लोगों के पास में शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चे अपना लाभ उठा सके ज़्यादा से ज़्यादा। और अभी जो प्री पीजी के आंसर की है वो आना बाकी है। बाकी एक बार मैं फिर से बता दूँ, डॉक्टर ग्रीन एग्रो क्लासेज की जो बैचेज है वो शुरू हो चुके हैं, तो आप अपने आप को एनरोल्ड करवा सकते हो। और किसी भी प्रकार की आपको अगर मदद चाहिए तो आपके डॉक्टर ग्रीन एग्रो क्लासेज हमेशा आपके सहयोग में, आपकी सेवा में हमेशा तत्पर खड़े रहेंगे। और मैं एक बार फिर से आशा करता हूँ कि बच्चों ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए जो विचार करके जेट का एग्ज़ाम दिया है, वो सभी बच्चों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो, अपना टारगेट, अपना जो गोल बनाया वो प्राप्त हो। मैं शुभकामनाएं और आशा करता हूँ आगे इस तरीके से बच्चे मेहनत करें और अपने भविष्य में निरंतर प्रगति की ओर अक्सर मेहनत की ओर बढ़े। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर ग्रीन एग्रो क्लासेज की तरफ से धन्यवाद।